प्यार भरी सत श्रीकाल जी। तो 1 तारीख से हमारा जो लद्दाख का ट्रिप था साइकिल पे, तो वो स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख को। आज 30 तारीख है, कल हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं देख रहा था कि साइकिल का ना कुछ काम करवाने वाला है। जैसे तो एक तो आपको नया ही लिया था, आपको पता ही है लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था। तो एक तो पहले तो स्टैंड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो जिस पे मतलब कि बैग वगैरह रख सकते हैं। और वैसे मैंने उनसे बात करी हुई थी जब मैंने जाना है ना 1 तारीख को, तो उनसे बात थी कि वो अपना जो साइकिल का वायर वगैरह जो भी है चेक कर देंगे, ब्रेक वगैरह सारे गियर वगैरह जो भी है तो एक बार चेक कर देंगे वो सारा। उन्होंने बोला था कि हमारे पास ले आना एक बार। तो अभी एक तो स्टैंड लगा लेंगे उसके बाद, और जो भी है सेटिंग वगैटिंग वो सब कर देंगे, जो भी सेटिंग शूटिंग है वो सारी वो कर देंगे। और ऐसे बड़ी जल्दी आ गया ना हमारा लद्दाख का ट्रिप, सोचा नहीं था मैंने इतनी जल्दी दिन चले आएंगे। तो और बाकी ये मैंने अपना सामान भी काफ़ी रेडी कर लिया है, बाकी अभी रह रहा है थोड़ा बहुत। तो एक तो जैसे ये बैग ले लिया, वाटरप्रूफ बैग है, इसमें पानी वानी का। एक ही छोटा बैग हमने छोटा बैग ले लिया मोबाइल वगैरह या कैमरा वगैरह डालने के लिए। और ये हमारा जो गैस चूल्हा होता है, ये गैस चूल्हा हो गया, ये बर्तन तो तुम्हें पता है आपको लेके जाने पड़ेंगे। और ये पंचर किट का भी सामान मैंने ले लिया साइकिल का, जैसे ये पंचर वंचर का जो भी है, और ये लोशन वगैरह जो भी होता है। ये ग्लव्स मेरे पास पड़े ही थे पहले, पुराने लेके रखे थे मैंने, ये हो गए। और ये कपड़े मैंने ये भी ले लिए -1 के लिए वहाँ पे, जैसे लद्दाख वगैरह में ना तो -1 का जैसे टेम्परेचर होता है ना वहाँ पे, तो ठंड मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो ये हमारा साथ देगी तब। वैसे अभी तो इसे उठाने का जी भी नहीं करता कि इतनी मतलब कि मोटी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है पंजाब में, आपको पता ही है पंजाब में गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये हमारे जो भी मतलब कि मैंने 3-4 टी शर्ट ले ली और शर्ट भी ले ली, रुमाल वगैरह सॉक्स वगैरह सभी मतलब कि सामान अभी रेडी कर रहा हूँ। शाम तक मतलब कि हो जाएगा सारा सामान रेडी, तो उसके बाद कल फिर हमने सुबह 5-6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम मैं जा रहा हूँ ये अपना जो भी साइकिल का काम है ना वो करवा लाते हैं। मेन तो यही है कि यहाँ पे स्टैंड तो वो लगाना ही पड़ेगा, स्टैंड के बिना तो हम एक बैग हम स्टैंड पे रख लेंगे और एक यहाँ पे टांग लेंगे, और एक मैं उठा भी सकता हूँ मतलब कंधे पे। तो अभी चलो हम चलते हैं, तो साइकिल का सबसे पहले जो ज़रूरी काम है साइकिल का वो हम करवा लेते हैं। बाकी अभी वैसे मेरा टेंट रह रहा है, टेंट यहाँ से मिल नहीं रहा था, मिल तो रहा था लेकिन बहुत महंगा लगा रहे थे, तो थोड़ा देखना पड़ता है। तो हम वो लेंगे जलंधर से, जलंधर से मेरा एक फ्रेंड है तो उसने बोला था कि वहाँ से मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, तो वहीं से हम टेंट भी लेंगे। और एक पंप भी लेना है जो हवा भरने के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में, तो वो भी हम वहीं से ले लेंगे। बाकी देखते हैं अभी एक बार साइकिल का सारा काम करवा के फिर आपको मिलते हैं। सत श्री अंकल जी, और ठीक ठाक हो? और बुरे और बुरे ठीक ठाक अपना साइकिल ला लिया जी, इन्होंने साइकिल लगा लिया अपना। चाचा सारा एकदम चमका दो इसे, ठीक है, वायर जो भी करना है गियर वेयर सब ठीक कर दो एकदम। और यहाँ पे एक स्टैंड लगा देना जो भी आप बता रहे हैं ना, हाँ स्टैंड जो लगाना है ना, कैरियर भी लगा दो और स्टैंड भी लगा दो। स्टैंड जो यहाँ पे पड़े थे उस दिन दिखाए थे ना आपने, हाँ यही वाले कैरियर। नहीं नहीं ये तो एक तो हो गया, ये तो लग ही जाएगा एक तो, है ना। मगराड़ बोलते हैं ना उसे, यहाँ पे जो मतलब बैग वगैरह लगे उस पर पानी वगैरह ना जाए, हाँ तो वो भी लगा दो। आगे भी लगाना है और पीछे भी लगाना है, लगाना है ऐसे, ज़्यादा बढ़िया नहीं लगाना, ठीक है, पैसे वैसे भी देखने हैं हमें तो लगाना ठीक सही है। और बाकी सब चेक कर दो एकदम बढ़िया कर दो, ठीक है, ठीक है जी। हाँ ये वाला इसके ऊपर लग जाएगा ये, चलो एक बार हम काम करवा लें थोड़ा सा, तो उसके बाद दोबारा मिलते हैं। ये भाई अपने साथ जा रहे हैं तो ये इनका साइकिल है, स्टैंड वगैरह दोनों भी हमने लगाना है। और ये देखो खोल दिया हमारे साइकिल का पुर्जा,
अब हमारा साइकिल तो अपना हो गया पूरा ओके। ये स्टैंड था, ये स्टैंड भी लग गया, बैग वगैरह रख सकते हैं, ये कैरी, ये नीचे जो भी होते हैं मगराट वगैरह वो भी लग गए हमारे, और ब्रेक वगैरह वायर वगैरह सारी चेक हो गई है। तो अभी और हमने एक हवा भरने के लिए पंप भी ले लिया, तो अभी करते हैं तैयारी और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।